दोस्तों हमारे देश में धान की खेती जो है काफ़ी बड़े क्षेत्र साथियों हमारे भारत देश में धान की खेती काफ़ी बड़े क्षेत्र में की जाती है। काफ़ी सारे किसान भाई धान की खेती करते हैं, पर उन्हें कोई खास ज़्यादा जानकारी नहीं रहती धान की फसल ग्रोथ प्रमोटर्स के बारे में। काफ़ी सारे किसान भाई जो है जीआर रूप से यानी कि जो दानेदार खादें होती हैं, दानेदार कीटनाशक होते हैं, उन्हें उपयोग करके काम चला लेते हैं। वो स्प्रे लगाती नहीं, वो सोचते हैं कि स्प्रे से तो कोई खास हमें रिजल्ट मिलेगा नहीं, पर यदि आप एक बार अपने धान फसल में स्प्रे कर देते हैं तो बहुत ही आश्चर्यचकित आपको रिजल्ट मिलने वाला है, बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलने वाला है। क्योंकि जड़ों के नीचे दिए गए खादों के अलावा साथियों अगर यदि आप स्प्रे करते हैं अपने धान की फसल में तो उसका रिजल्ट काफ़ी तेज आपको देखने को मिलेगा। उसका रिजल्ट तुरंत ही पत्तों पर आपको दिखना चालू हो जाएगा और एक अच्छा खासा साथियों आपको रिजल्ट मिलेगा। आपकी फसल में यदि पीलापन है, कल्लो फुटाव नहीं हो रहा, फसल आपकी ग्रोथ नहीं कर रही, तो आप इसको उपयोग करके अच्छा खासा ग्रोथ करवा सकते हैं। ऐसे कौन सी स्प्रे कॉम्बिनेशन है जिसको आप उपयोग करके अच्छी खासी धान की ग्रोथ ले सकते हैं, इसके बारे में हम पूरी डिटेल से जानकारी आपको देने वाले हैं। तो इससे पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, यदि जानकारी अच्छी लगे तो दूसरे किसान मित्रों को वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। तो चलिए साथियों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमें कौन सी ग्रोथ प्रमोटर्स का स्प्रे लगाना है जिससे कि हमें धान फसल में एक संपूर्ण विकास देखने को मिले, कल्लो को फुटाओ, धान फसल में यदि पीलापन है तो वो भी दूर हो जाए और आगे चल करके एक अच्छा खासा उत्पादन हम धान की फसल से निकाल पाएँ। तो साथियों सबसे पहले जो हमें स्प्रे के रूप में लेना होगा वो लेना होगा साथियों हमें ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड काफ़ी सारी कंपनियों का जाता है, जैसे कि डाउ का ह्यूमिक सेल नाम से आता है या फिर ह्यूमिक सोल नाम से आता है, हमारा पीआई कंपनी कहीं से भी ले सकते हैं। इसके अलावा साथियों और काफ़ी सारी कंपनियां बनाती हैं, मैंने दो ब्रांड कंपनियों को बताया है, इसे आप ले सकते हैं। अगर इसकी मात्रा की बात करें तो 500 ml प्रति एकड़ आपको लेना होगा। इसी के साथ साथ हम और क्या मिला सकते हैं, इसके साथ साथ साथियों जो हमारा एग्रोमिन गोल्ड आता है उसको भी ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ह्यूमिक एसिड जो ह्यूमिक सेल हमारा डाउ का था ये क्या काम करता है। इसके उपयोग से हमारी धान की फसल में कल्लों को फुटाव काफ़ी तेज़ी से होने लगता है, जड़ों का विकास काफ़ी तेज़ी से होने लगता है, इसके साथ साथ फसल हमारी हरी भरी रहती, पत्तियां अधिक चौड़ी रहती हैं और आगे चल करके एक अच्छा खासा उत्पादन भी हम धान फसल से निकाल पाते हैं। इसके साथ साथ साथियों अगर हम बात करें तो ह्यूमिक सेल 500 ml पर्याप्त रहेगा 200 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करने के लिए। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो आपको मार्केट में जो 500 ml की पैकिंग है आसानी से 550 रुपये तक मिल जाएगी। इसके साथ साथ साथियों और क्या ले लें, इसी के साथ साथ हम ले सकते हैं साथियों जो हमारा आता है एग्रोमिन गोल्ड एरीज कंपनी का था, इसको ले सकते हैं, काफ़ी शानदार यह मल्टी माइक्रोन्यूट्रेंट सिलेटेड फर्टिलाइजर है। इसके स्प्रे करती पत्तियों पर यह तुरंत रिजल्ट दिखाना चालू कर देता है, काफ़ी अच्छी तरीके से रिजल्ट दिखाता है। यह आधुनिक ज़माने का बहुत ही शानदार माइक्रोन्यूट्रेंट फर्टिलाइजर है जो कि बहुत ही शानदार रिजल्ट हमें हर तरीके की फसल में निकाल करके देती है। यदि इसको हम धान की फसल में एरीज के एग्रोमिन गोल्ड को स्प्रे करते हैं तो काफ़ी बेहतर रिजल्ट आपको निकाल करके देगा, जितने भी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी उसको दूर कर देगा, धान की फसल से अच्छे कल्लों को फुटाव होने लगेगा, विकास होने लगेगा, पत्तियाँ हमारी हरी भरी रहने लगेगी, इसके साथ साथ जड़ों का विकास होगा, फसल हमारी जो है लंबे समय तक ग्रोथ करती रहेगी। इसी के साथ साथ साथियों अगर हम बात करें हमें तीसरा कॉम्बिनेशन में क्या उपयोग करना है तो एनपीके 19-19-19 जिसमें 19% नाइट्रोजन, 19% फॉस्फोरस, 19% पोटास देखने को मिलता है, इसको उपयोग में ले सकते हैं। इसकी मात्रा 1 kg प्रति एकड़ लेनी होगी। यदि साथियों इन तीनों को हम आपस में घोल करके दे अपने धान की फसल में स्प्रे लगा देते हैं तो मैं नाइट्रोजन छोटी के साथ कहता हूँ आपकी धान की फसल से एक बहुत ही बेहतर तरीके से ग्रोथ देखने को मिलेगा, कल्लों का फुटाव देखने को मिलेगा, जड़ों का विकास अधिक से अधिक होगा। इसके साथ साथ आगे चल करके एक अच्छा खासा उत्पादन आप धान फसल से निकाल पाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे किसान भाइयों को इस स्प्रे के बारे में कोई जानकारी नहीं रहती, वो सोचते हैं कि कुछ ग्रोथ प्रमोटर ऐसे भी आते हैं जो कि हम स्प्रे के रूप में देकर के अपनी पत्तियों पर तुरंत रिजल्ट दिखाना चालू करवा सकते हैं, पौधों में अच्छा खासा ग्रोथ ले करवा सकते हैं, इसके साथ साथ जड़ों को वृद्धि विकास करवा सकते हैं और प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़वा सकते हैं। एक फसल की मुख्य ग्रोथ जो होती है वो एनपीके पर बहुत ही ज़्यादा निर्भर करती है, यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी भी फसल की शानदार तरीके से ग्रोथ करवाने में। तो यदि हम एनपीके के रूप में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश के रूप में एनपीके 19-19-19 का अपने धान फसल में स्प्रे लगवाते हैं तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट निकल करके आ गया, पिछले वर्ष के मुकाबले 25% ज़्यादा आपकी धान फसल से उत्पादन भी देखने को मिलेगा। तो साथियों आप नीचे से तो खादों का उपयोग करें ही करें, पर स्प्रे से 1-2 से 3 स्प्रे यदि धान के संपूर्ण सीजन में लगा देते हैं तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट निकल करके आएंगे, ज़्यादा खर्च भी नहीं लगेगा और अच्छा खासा रिजल्ट भी आप निकाल पाएंगे। इसके साथ साथ साथियों बात करें तो स्प्रे लगाते समय जैसे कि समय पर बारिश का मौसम तो चल ही रहा है, काफ़ी ज़्यादा मौसम का ध्यान देना होगा। यदि आपको मौसम ख़राब लग रहा है तो आप स्प्रे ना करें, क्योंकि जितने मैंने स्प्रे बताए फर्टिलाइजर्स के साथियों इसका जो है स्प्रे करने के बाद 3 से 4 घंटे बाद बारिश नहीं होती है तब साथियों रिजल्ट मिलेगा। यदि 3 से 4 घंटे के अंदर बारिश हो गई तो आपको कोई खास रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा कि मौसम साफ होने पर ही इन खादों को स्प्रे करें, तभी आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो मैंने आपको डोज बताई है फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, जो हमारा ह्यूमिक सेल है 500 ml प्रति एकड़ लेना होगा, इसके साथ साथ एग्रोमिन
में जो कोल्ड आता है इसे 250 ml प्रति एकड़ लेना होगा, 250 ml आपके लिए पर्याप्त रहेगी। इसके साथ साथ एनपीके 19 19 19 जो हमारा 1 kg प्रति एकड़, इन तीनों को अलग अलग घोल करके आपस में मिला करके यदि इस पर लगा देते तो बहुत ही बेहतर तरीके से आपकी धान फसल से रिजल्ट देखने को मिलेगा, उत्पादन भी अच्छा खासा बढ़ेगा, आपका मुनाफा शुद्ध बढ़ेगा। इसके साथ साथ किसी प्रकार के पोषक तत्वों की इंटायर धान की फसल में कमी भी देखने को नहीं मिलेगी। तो साथियों कैसा लगा वीडियो, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथियों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।